के मैं इंजीनियर आगा यूनुस कांग्रेस नेता अलीगढ़। आज हम यहाँ पर डीएम साहिबा के नाम एक ज्ञापन लेकर के आए थे, परिवार के साथ आए। ये ज्ञापन है जिलाधिकारी महोदया के नाम। ये इसमें लिखा हुआ है दिनांक 19/3/22। जरा सा इसमें 12 लिख गया टाइप होकर 22 कर दो। '19/3/22 को आरिफ पुत्र श्री अफजाल निवासी गली नंबर 9, इनका बेटा था, 20 साल उम्र थी, शहनशाबाद, उम्र करीब 20 साल का, मृत शरीर मौलाना आज़ाद नगर शहनशाबाद के बिना सुरक्षा कवच के कच्चे नाले जिसमें कूड़े का घर बना बन चुका है उसमें मिला। एक ऐसा नाला जो इतना तो कम से कम ऊपरी लेवल पे कूड़ा है, कोई उस पर ना बाउंड्री है ना कोई पक्का नाला है, वो कच्चा नाला है जो सड़क के साथ चला समानांतर। उसके अंदर इसके लड़के इनके लड़के का 20 साल के लड़के का सुबह के टाइम में शव मिला। आरिफ एक बेहद गरीब परिवार का कमाऊ पुत्र था। रात में वो घर से गया, सड़क और कूड़े से सराबोर कच्चा नाला साथ साथ बिना बाउंड्री या किसी सुरक्षा के कवच नाले में संभवतः परिवार के मुताबिक वो गिर गया और ऊपरी सतह पर कूड़े का साम्राज्य था जिसकी वजह से संभवतः वो बचाव भी नहीं कर पाया। ऐसी घटिया नाले जिसमें पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, उस नाले में सुबह उसकी तैरती हुई लाश मिली। वर्षों से इस नाले को नगर निगम ने साफ तक नहीं किया और मौत के बाद भी अब तक साफ नहीं किया गया। उसके बाद भी प्रशासन ने कोई मदद उस परिवार की नहीं की और न पुलिस ने नगर निगम पर कोई मुकदमा दर्ज किया। इस नाले में कोई भी हादसा और होने का इंतजाम नगर निगम कर रहा है। एक युवा जो परिवार के लिए 10 रुपये हर माल बेचकर अपनी माँ और परिवार के लिए रोटी का बंदोबस्त करता था, उसकी असमय मौत वो भी घटिया नाले के चलते साफ दिखती है। इसलिए हमारी मांग है कि एक नंबर मांग है नगर निगम पर मुकदमा दर्ज किया जाए, उस नाले के कारण इसके बच्चे की मौत हुई है। दूसरा, परिवार को 30 लाख रुपए का मुआवजा जो न्यूनतम बनता है वो दिया जाए, क्योंकि इसका एक 20 साल का लड़का मर गया। परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिया जाए, क्योंकि ये परिवार बेहद गरीब परिवार है, आज ये सड़क पा चुका है। और अफसोस की बात यह है कि अब तक प्रशासन ने या किसी भी मजिस्ट्रेट ने या किसी भी अधिकारियों ने इसके घर पर जाके इसकी सुध नहीं ली, ना इससे ये पूछा कि तेरे घर में राशन है कि नहीं है, ना तेरे घर में कुछ है कि नहीं है, तो ये किस व्यवस्था में जी रहे, गरीब कहाँ जाएगा? ये गरीब के अधिकारों की लड़ाई है। बताइए जी, ये दुर्घटना कब हुई? 19 मार्च 2022 को। और मार्च तो आई है, 19 फरवरी। ये कहीं नौकरी करता था लड़का? ये नहीं, 10 रुपए माल ये कमाता था। 19 फरवरी 2022 को ये हमने ये है, ये इसका एक फोटो ले लीजिएगा। सुनिए, इसके नहीं नहीं करेक्शन वाले इसके इसकी ज्ञापन बोल रहे हैं, अलग से जल्दी सीधा करूँ भाई। सारी बात को ये माँ है और ये बहन है, ये रो रो के बुरा है, इसके लिए कोई खड़ा नहीं है, गरीब के लिए कोई खड़ा नहीं होता। और आप लोगों को, मेरा नाम सन्नो है, मैं आर की मादर हूँ, मैं आर की मम्मी बोल रही हूँ। मैंने आगर न्यूज के जरिए मैं उनसे काम करवाने के लिए क्या आज तलब 19 तारीख से लेके 30 दिन हो चुके हैं, आज तलब किसी ने कार्रवाई कोई इतला कुछ भी नहीं करा। मेरा 20 साल का बेटा गंदे नाले ने निगल लिया। मेरा बेटा रात को आ रहा था, नाला और सड़क एक थी और माँ जाके देखो दलदल बन चुका है, हाथी भी डूब जा तुम इसमें पता नहीं लगेगा। मेरा बेटा बुढ़ापे का सहारा था मेरा, मेरा 10 रुपये हर माल बेटा बेचता था, मेरा पेट भरता था। आज इन्होंने ना नगर निगम पे केस डाला ना नगर निगम से कुछ नहीं। मुझे एक बच्चे को सरकारी नौकरी चाहिए, जो मेरे रोज के लाने खाने वाले हैं वो मेरा बच्चा ख़त्म हो चुका है। मुझे कैसी भी, मेरी इतना गरीब, मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत माँ हूँ मैं, दुख भरी खानी अपनी सुना रही हूँ, मेरी मदद करो, मेरा दिल से दुआ ही निकलेगी। अगर तुमने सुनाई करी तो मेरी दुआ निकलेगी, मुआवजा चाहिए मुझे। 20 लाख का मुआवजा मांग रही हूँ मैं। आज की कीमत करोड़ों लाखों रुपए की है, पैसा तो बहुत आता है जाता है, जिंदगी लौट के नहीं आती है। इस जिंदगी में पैसा बतेरा जिंदगी नहीं है, मेरी सुनाई करी जावे, मेरी आवाज़ उठाना मेरी नहीं है। अब सब जो तेवी है मैं सबसे प्रार्थना कर रही हूँ मेरी मदद करें मैं।